ये है द ग्रैंडेस्ट वीकेंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन। इसी वीक शुरू होता है आइडल 13 बनने का कॉम्पिटिशन। पहली बार गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक के दो सबसे लेजेंडरी महाजोड़ियों के म्यूजिक डायरेक्टर होंगे हमारे साथ। टैलेंट हो तो ऐसा। और इस हफ्ते होंगे डुएट परफॉर्मेंसेस, जहां हमारे तीनों जजेस कंटेस्टेंट्स को देंगे गोल्ड कॉइन, जिनका परफॉर्मेंस उन्हें सबसे अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं गोल्डन एरा चैलेंज कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी भाई के साथ। Like this, you know? Yeah, that's amazing. Yeah, that's a good thing. Yeah. And to me. Hey, that's, yeah. Let's rock! Let's, yeah! Oh my God, ये कौन है? क्या ये bikers group के head boy है? क्या ये leather jacket gang के hero है? और सोचने वाली बात है कि वो है जिन्होंने अपने बड़े भाई कल्याण जी भाई के साथ मिलकर 1960 में अपना पहला सुपर हिट दिया था चलिया, यानी 62 साल पहले। Listen, you are making mistake. I'm not an Angie. Then? I'm Eddie. Oh my God, he's Angie. Time has changed, everything has changed. She's my Anandji's wife. She's Anandji's wife? Yeah. And you are Andy. Oh my god. Hi baby, how are you? समय बदल चुका है और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे एंडी जी हैं, ये मार्च में 90 हो जाएंगे। Oh my God, touch wood. हाँ, बैठ जाओ, बोलने के बाद। जोरदार तालियां हो जाए for कल्याण जी भाई एंड आनंद जी भाई। अब आनंद जी आ गया है, एंडी यू गो, रेस्ट करो, थोड़ा आराम करो। तो चलिए बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को, बार्गेनिंग क्वीन रूपम भरनारिया, और उनका साथ देने आ रहे हैं पाठक खानदान के चिराग शगुन पाठक। ओ कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। Yeah.
Wow, what energy! Oh my God, too good! बड़ी कमाल की energy थी। रूपम, रूपम आपका जो attire है ना, आपका attire देख के लगता है कि अभी आप कुछ पंजाबी कुछ गाएंगी। But then लैला, मैं लैला इस attire में और बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग, बट इट वॉज साउंडिंग सो गुड। आपकी आवाज़ एनी वे बहुत पावरफुल है एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू डिड अ ग्रेट जॉब, सो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। हमें नाच रहा था और गाया भी इन्होंने कमाल का, ये लैला बानू हो गई थी। बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए, आ गए, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। विनीत, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सर। वो फ्लेवर भी है आप में रफी जी की। यस सर। समझे ना, जरा गाइए।
बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए आ गए आ गए पास हम आ गए पास हम दोनों ने आज genuinely बेहतरीन गाया. विनीत, आपने तो outstanding गाया. Thank you so much. Outstanding. Thank you so much. सोनाक्षी, duet जो होता है ना बहुत difficult होता है because scale का जो लफड़ा है, male और female scale को adjust करना, तो बहुत perfect partnership बहुत rarely बनती है. एक को थोड़ी थोड़ी तकलीफ सहनी ही पड़ती है थोड़ी बहुत. तो आज आपका टर्न था, लेकिन बाकायदा आपने बहुत अच्छा निभाया डिस्पाइट ऑल दैट. सो कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आज गोल्डन एरा चैलेंज है और गोल्डन एरा के एक्टर्स और म्यूजिक को सेलिब्रेट हम कर रहे हैं. तो वो एरा के एक सुपरस्टार लेजेंड मिस्टर प्राण साहब के लिए तुम्हारा एक ट्रिब्यूट एज अ डायलॉग हम सुनना चाहते हैं. अरे हो जाए यार, हो जाए. और विनीत को एक पेन दे दिया जाए हाथ में. दुश्मन साई, अगर आज हमारी चौखट पर तुम समधी बनकर नहीं आए होते तो यहां से तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाती. क्या कमाल का हिडन टैलेंट है. एक बार जोरदार तालियां. मूड फ्रेश कर दिया. थैंक यू. यार चिराग, मैं बहुत खुश हूं आपको देखकर, क्योंकि पिछले ही हफ्ते आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया था. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. और इस हफ्ते आपको जो डुएट पार्टनर मिली है वो वही है, काव्या. सो आई थिंक इट इज अ साइन ऑफ एन एक्सट्रीमली मैच्योर मैन. इतनी मैच्योरिटी कि एक ही हफ्ते में मूव ऑन कर जाना. आदि भाई, ये जो बोल रहा है ना, मूव ऑन कर चुका है. मूव ऑन नहीं है, नए नए मूव्स ढूंढ रहा है, उसको अभी भी ट्राई कर रहा है. और What? जी, और मैंने ना छूट, मैंने छुप के कुछ शूट किया हुआ है. मैं आप सबको दिखाता हूँ इसकी हरकतें. एक तो ये बाबा यार, ये सब कहां से आया, किसने किया है ये सब? अरे वाह यार, ये सब किसने किया है? चिराग, अच्छी नहीं. मैडम आपको क्या? मैं जहां जा रही हूं मुझे वहां दिल मिल रहा है. मुझे पता है ये कौन कर रहा है. अरे यार विनीत, ऐसी खुफिया फुटेज प्लीज हमें देते रहें. और इसी बात पे एक जबरदस्त गाना हो जाए, जोरदार तालियां.
मुझे तेरी बहुत जरूरत है, पहले भी बहुत दिल तरसा है, पहले भी बहुत दिल तरसा है, तू और ना दिल को तरसाना, चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाए दिल दीवाना, चंदन सबदन चंचल चितवन। भैया एक बात कहूँ, ये गाना तुमने दिल से गाया, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, आज बहुत अच्छा गाया दोनों ने ड्यूएट में गाना, ये गाना चंदन सबदन हमको भी पहली बार हमने सुना, लाइक इट वेरी मच, और मुझे लगता है ये आइडिया जो है ड्यूएट वाला है, ये मुझे लगता है चल गया। मजेदार सर, क्या आइडिया था, व्हाट एन आइडिया सर जी, ब्रिलियंट ना। टैलेंट हो तो ऐसा 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 ये परफॉर्मेंस, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंडियन आइडल के जितने भी अभी तक परफॉर्मेंसेस हुए हैं उसमें से ये टॉप 3 परफॉर्मेंसेस में से एक है। ओह माय गॉड, इट इज हिस्टोरिक, क्या सुर लगे हैं तुम्हारे चिराग, ओ माय गॉड। थैंक यू सर। चिराग क्या हो गया है तुम्हें, पता नहीं, बहुत
मोहब्बत ने तुम्हें दीवाना बना दिया है, लेकिन दीवाना ऐसा बना दिया है कि कमाल का सिंगर बना दिया है, कमाल का स्टार बना दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और काव्या तुम क्या कर रही हो? अनडाउटेडली तुमने फिर से एक बार इतना अच्छा गाया है, तुम कोई अलग लेवल की फ्लाइट ले चुकी हो म्यूजिक की दुनिया में। आउटस्टैंडिंग काव्या, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग चिराग। दोनों गाने बहुत ही अच्छे गाए आप दोनों ने, बहुत ही अच्छे। लेकिन चंदन सा बदन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। एंड ऑन दैट नोट, आप दोनों ने मौसम बदल दिया। थैंक यू काव्या, थैंक यू चिराग, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अमेरिका और इंग्लैंड में महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी ये तस्वीर देखिए और बताइए कि ये दोनों सुंदरी इतनी खुश क्यों हैं? किसकी फोटो देखकर खुश है? क्योंकि इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद फाइनली इन दोनों को वो तस्वीर मिल गई है जिसे देखकर ये गा सके, ओ मेरे सपनों के सौदागर। और वो सपनों का सौदागर कौन है बताइए? ये जिन्हें जीपी भी कह रही है, ओ ही सो डिलिशियस, ही सो यम, पापा शिवम। और उनके साथ वो जिसने पापा को दिया है अ वर्ल्ड ऑफ जॉय, देवोस्मिता रॉय।
प्यार क्या होता है ये तूने समझाया, मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे जुनू जाने कैसा जवान दिल पे छाया। ये बोल दिया मैंने, इशारे में हो गया। ओके अच्छा रियाज है इनका, बहुत अच्छा गाया दोनों ने, और 60s के गाने ये सब आज भी लोग पसंद करते हैं, इतने तरह वंस पर बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुद को तो लगता है लेकिन भाई साहब याद भी आते हैं कि आज कलंज भाई होते तो बड़े खुश होते कि आज तक ये गाने चल रहे हैं, ये बीवी की तरह टिके हुए हैं। हाय हाय क्या शर्माई। कभी कभी इतनी शर्माती है कि मैं बोलता हूँ बहू बैठी हुई है, ऐसे ड्रामा मत कर तू। और जब से टीवी में आने लगी तो और भी बढ़ गया इसका काम। बंगला में हम ही बोलते पा रही ना, हम ही जाने ना बंगला। सही है। एक बार आनंद जी भाई के लिए जोरदार तालियां। सर आप आते हैं ऐसे ही मूड फ्रेश हो जाता है सर। नहीं नहीं अभी क्या है कि घर पे तो कुछ बोलने नहीं मिलता, नहीं ना जिंदगी में यही सुनने को मिलता हमको, आपने जिंदगी में क्या किया। एक दिन बोले बच्ची पैदा किए ये तो मानती हो ना, हाँ बोले वो हुआ बाकी क्या किया। मेरे भाई के बंगले हैं, मेरे भाई का ये है, बोले तेरे भाई का बंगला उसको मुझे तो मिलने वाला नहीं है, मैं तो गाने बन, बोले गाना कौन दिखता तो है नहीं, मेरे भाई का बंगला दिखता है, अब इसका क्या करें। कुछ बोलना आपको। बोलना तो बोल दीजिए। तो बोलना ही पड़ेगा क्या है। 70 साल होने आए शादी को, 70 साल हुए। 70 साल माय गॉड 70 इयर्स। बट जेन्युइनली सर मैम इनक्रेडिबल, 70 साल एक दूसरे के साथ रहे हैं और अब भी इतना प्यार है, अब भी आप लोग फांसी की सजा होती है जिनको उनको भी 60 साल में फ्री हो जाते हैं। I swear, मतलब अगर कोई मैरिड कपल हो और इस तरह उनके बीच में मस्ती चालू ही रहे, बस ये इसमें 70 साल आराम से निकल गए होंगे। इनक्रेडिबल। देबो के लिए आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है जी, और हमने देबो के लिए कुछ प्लान किया है अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। मैं खुश हूं क्योंकि कुछ आ रहा है स्टेज पे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हमारी देबो का जन्मदिन है और वो 21 वर्षीय हो चुकी है। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, जियो हजारों साल ये हम ही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू।
उसके बर्थडे पे उसने एक्चुअली कभी सेलिब्रेशन किया ही नहीं है, और जब भी किया है सिर्फ देबो और उसके मम्मी पापा तीनों ने ही किया है। देबोश्मिता, हमारे सबके तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। पहले मैं हम लोग सब चाहते हैं कि तुम ये खोलो, खोल के देखो अभी के अभी, खोल के प्लीज देखो। दिखाइए हमें भी। ओह माय गॉड, इतनी प्यारी सी गोल्ड की चेन हमारे सारे टॉप 15 ने आपको गिफ्ट की है, हम सब की तरफ से। और देबोश्मिता, देबो के लिए, ये देबो, देबोश्मिता इसके हम सबकी तरफ से ये है। हमारे टॉप 15 ने अपने पैसों से अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके ये गोल्ड चेन आपके लिए खरीदा है, और हमें यह भी पता है कि इसके पहले आपके पास गोल्ड का कुछ भी नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, मैं कभी नहीं सोचा कि ऐसे मेरा जन्मदिन होगा, और मेरा जो फ्रेंड्स है सब बहुत अच्छा, मेरे को बहुत प्यार करते हो, और इतना इतना मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। बहुत बहुत थैंक यू। अब हम ये केक खा लें। थैंक यू। अयोध्या से निकले श्री रामचंद्र जी ने असुरों का वध करके लोगों के दिलों पर राज किया। आज 7000 साल बाद एक सुरों का धनुर्धारी निकला है उसी अयोध्या से, जो बेसुरों को मात देकर लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, और डेफिनेटली जो बन चुका है द नेक्स्ट बिग थिंग, ऋषि सिंह। और साथ वो हर काम जो परफेक्शन से करती विदिता चक्रवर्ती। ऋषि, मैं आपकी एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी सर। वैसे तो ऋषि ने अपनी परफॉर्मेंसेस से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है, पूरी दुनिया अब इनको पसंद करती है। एक ऐसे बहुत ही खास शख्स हैं जिन्होंने ऋषि की परफॉर्मेंसेस को देखा, सुना, और उन्हें पर्सनली मैसेज भी किया। अरे क्या बात है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप खुद देख लीजिए। विराट, क्या बात है यार। विराट कोहली। हमारे देश की संख्या करीब करीब 140 करोड़ है, जिसमें से हमारे जो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली हैं 255 लोगों को फॉलो करते हैं, जिसमें से एक हैं हमारे ऋषि सिंह। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। कभी सोचा नहीं था कि, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि क्या सच में ऐसे आया, क्योंकि फेक अकाउंट्स भी आजकल बहुत होते हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं उनके अकाउंट से मैसेज आया हो ऐसा कुछ हो, मैं को भरोसा करने में टाइम लग गया था, पर बहुत अच्छा लगा कि उनका अप्रिसिएशन मुझे मिला और इतने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है सर। इट्स इनक्रेडिबल यार ऋषि, एंड वी आर सो सो प्राउड ऑफ यू। जेन्युइनली हम सब खुश हो गए हैं। तो चलिए विदिता, ऋषि एक जबरदस्त परफॉर्मेंस हो जाए। जी सर, बिल्कुल, जोरदार ताली। पुकारा है बढ़ना
प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए, जब चूमता है सागर को ऊंचे ऊंचे पर्वत, जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर, जब चूमता है सागर को प्यार सी कसने को बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे बड़ी बात यह हुई, सबसे कमाल हुआ, मैं आपको देखते देखते भूल गया, इधर देखने लगा, वो जो आलसी हैं वो हिल रही थी। क्या कैसे कैसे क्या बात ऐसी हुई, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ वो। रियली पीपल हैव डन ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट, दोनों ने कमाल गाया और उनको तो हीरोइन भी बनने की जैसे कुछ चांस लग रहा है। क्या बात है, विश्व सर आपको तो अपने ट्वीट्स को लेकर वकीलों की जरूरत पड़ती होगी। कोई सुशील घरेलू वकील है आपकी नजर में सर? किसको चाहिए? हमें वकील की जरूरत है क्योंकि कुंभकर्ण ने अगले सिंगर पर केस ठोक दिया है कि जब से इनके सोने के किस्से मशहूर हुए हैं कुंभू को काला कौवा तक नहीं पूछता। तभी जिनकी शोहरत से कुंभू को लगता है भय, या बंगाली में भॉय, प्रीतम रॉय, और साथ आ रही हैं शेजूती दास। दुर्गा पूजा मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी सर, मम्मी पापा के साथ वहां पे मैं बहुत सेलिब्रेट करती थी दोस्तों के साथ, मतलब मंडप में घूमना सब कुछ, और स्पेशली मुझे अभिजीत दा का कॉल आया और मुझे उन्होंने इनवाइट किया लोखंड वाला दुर्गोत्सव में, वहाँ पे बहुत बड़ा पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है। आज मुझे अभिजीत दा ने यहाँ पे इनवाइट किया और मेरा सारा मनोकामनाएं पूरा हो गया, क्योंकि मैं बहुत मन से चाह रही थी दुर्गा माता के पास आऊँ, उनको प्रसाद चढ़ाऊँ। माता की ब्लेसिंग्स मैंने ली,
আমাদের সেনজ্যোতি দাস ইন্ডিয়ান আইডলের কন্টেস্ট্যান্ট, ওকে আপনারা সবাই আশীর্বাদ দিন। সুনিধি চৌহান শায়দ 13 সাল কি থি, উসনে পহলি বার গায়া, সোনু নিগম, শ্রেয়া, সারে মতলব হমারে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি কে যো দিগ্গজ লোক হ্যায়, ये फेवरेट स्टेज है, ये आपकी बहुत बड़ी माता जी की एक वो है जो उन्होंने आपको बुलाया इस स्टेज पे, उनका आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद कोई हो नहीं सकते, आपको बहुत बहुत बधाई और आपको पूरा आशीर्वाद है। माँ के आशीर्वाद भी मुझे मिल गई, फैमिली मिल गया मुझे पूरा।
एक बार कल्याण जी आनंद जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. One of the greatest composers in the history of Indian cinema. बहुत खुशी हो रही है सर से, कह नहीं सकता. अभी मैंने अपनी बेटी खोई है तो वहाँ चला गया, क्योंकि गाना ये था, सांस के साथ लिंक था इसका, कि अगर सांस नहीं तो बॉडी का कोई मतलब नहीं है, तेरे बिना भी क्या जीना. बहुत अच्छा गाया आपने और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इतना ऑर्केस्ट्रे के साथ बहुत दिनों के बाद ये गाने सुनने मिलते मुझे. थैंक यू वेरी मच इंडियन आइडल. आनंद जी उर्फ एंटी ब्रो, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो पूरी तरह से सच सवर कर तैयार है, तो सर बुला लो उन्हें. करिए सर दो लाइन जरा वो हो जाए. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो. दिखे तो फिर दिखने के बाद करेंगे ना. पर आप गाएंगे तो और मजा आएगा सर. मैं भी आपका क्या साथ हूँ. खूब लगती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो. कहाँ हो कहाँ हो. My God, wow, आप क्या खूबसूरत लग रही हैं. बहुत अच्छी लग रही है. संचारी also got emotional. कितना टाइम लगता है ये साड़ी बनाने में? टाइम लगता है. इनको इनको थैंक यू बोलती हूँ मैं. इतनी खूबसूरत साड़ी मेरे लिए बनाई है, बहुत अच्छा लगा मुझे. और इसी बात पे गर्ल्स एक जबरदस्त गाना हो जाए, जोरदार तालियां. मेरा दिल प्यार का दीवाना.
और अमित जी के लिए तालियां। ये एपिसोड उनके 80th बर्थडे के आसपास एयर होगा, तो अक्टूबर को वो 80 साल के हो जाएंगे। महानायक, इस सदी के सबसे बड़े महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू सर इन एडवांस फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट इंडियन आइडल। हैप्पी बर्थडे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कल्याण जी, आनंद जी भाई के लिए तालियां। क्या रेंज है सर, माय गॉड, इनक्रेडिबल। क्या रेंज है, इनक्रेडिबल। रेंज क्या है, घूंघट से लेके कसीनो तक। हाय हाय, क्या बात है। खड़ी हो जाइए जरा। हाय हाय, ये मेरा दिल आपका दीवाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मेड माय डे। बहुत अच्छा गाया। ये जो परफॉर्मेंस डॉन के जो टाइटल ट्रैक का था, वो ऐसे एहसास हो रहा था मुझे 2022 की, जो अगर मतलब फीमेल एम्पावरमेंट का अगर मैंने कोई परफॉर्मेंस सुना है तो वो था। इट वाज एपिक, एपिक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लोग दोनों एक अलग ही लेवल के पागल हो, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, बिकॉज ये फैमिली, पूरी फैमिली ऐसी है। क्या बात है, बहुत मजा आया मुझे। आई रियली एंजॉयड, एंड सेकंड सॉन्ग द हार्मनीज वर रियली रियली गुड। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, वेल डन, ऑल द बेस्ट। हेलो, परफॉर्म करने आ रहा है वडाली घराने का नवासा, जग्गा डाकू की दाढ़ी मूछ रखने वाला नवदीप वडाली, और उनका साथ देने फिर से आ रहे हैं विनीत सिंह। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ तुमको जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। मैं कहूंगा कि ये इतना ईमानदार परफॉर्मेंस था, वेरी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस विनीत, आउटस्टैंडिंग, वेरी वेरी ऑनेस्ट। एंड नवदीप, आपकी आवाज बिल्कुल बुलंद सुनाई दे रही थी, और दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ यूं था कि बहुत ही ईमानदार परफॉर्मेंस था, ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड परफॉर्मेंस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवदीप, एक बार जोरदार तालियां।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.